और इस वक्त बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा जारी है। आपको बता दें कि परीक्षा का छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि सेशन लेट फिर भी परीक्षा हो रही है। मौके पर पुलिस मौजूद है, छात्रों को समझाने की कोशिश लगातार जारी है। आपको बता दें कि पटना के आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में छात्रों का जमकर हंगामा हो रहा है। छात्रों का आरोप है कि सेशन लेट होने के बाद भी पूरे सिलेबस की परीक्षा ले जा रही है। छात्रों ने बताया कि 2 महीने की पढ़ाई हुई है और 6 महीने के बाद परीक्षा लिया जा रहा है, ये कैसे संभव है। फिलहाल भारी हंगामे को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंच गई है। छात्रों को हटाने की कोशिश लगातार जारी है। तो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा जारी है। हालांकि इस मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। परीक्षा का विरोध छात्र लगातार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मरगूब, छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल वहां पे? देखिए, हालात बहुत समान नहीं है। वज्र वाहन को बुला लिया गया, भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची है। छात्र बहुत आक्रोशित है और गेट तोड़ने की उन्होंने कोशिश की थी, फिलहाल जिसे पुलिस ने विफल कर दिया है। इनका कहना है कि कोरोना संक्रमण के कारण 1 महीना पढ़ाया गया, लेकिन पढ़ाने के बाद अब इनकी जो है ना पूरी परीक्षा ली जा रही है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। और विरोध के बाद वहां जम के हंगामा हो गया, उसके बाद पुलिस भारी संख्या में पहुंच गई। पुलिस के साथ पुलिस वहां से उन्हें हटा रही है, लेकिन वो हट नहीं रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को वहां तैनात कर दिया गया और लग रहा है कि हालात बहुत खराब है जी। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और पुलिस की कोशिश है कि जो यूनिवर्सिटी के प्रबंधन है उनसे वो कोशिश बातचीत कराई जाए, लेकिन अभी बातचीत नहीं हो पाई है। यही कारण है कि और ज्यादा हंगामा जाहिर कर दिया है और फिलहाल पूरे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी को पुलिस ने घेर लिया है और किसी को भी जनता जाने की इजाजत नहीं है। तो फिलहाल भारी हंगामे के बीच कहा जा सकता है कि पुलिस ने हालात को समान करने की कोशिश की जा रही है जी। बिल्कुल मरगूब, तो छात्रों का हंगामा आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के बाहर लगातार जारी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।